काशी के तिल भांडेश्वर महादेव, जिनका आकार सावन के प्रदोष को तिल के समान बढ़ता है, गंगा सागर, प्रयाग संगम और काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान के बराबर मिलता है पुण्य। महादेव की पवित्र नगरी काशी, जहां के कण कण में शिव का वास है, जिसमें से तिल भांडेश्वर मंदिर जो काशी में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पुजारी शिवनाथ गिरी ने बताया, तिल भांडेश्वर का आकार सावन के प्रदोष को तिल के समान बढ़ता है। मंदिर का पौराणिक इतिहास, इस शिवलिंग की ऊपरी मध्य में सूरज और चंद्रमा की आकृति बनी हुई है तथा पिछले भाग में औरंगजेब द्वारा चलाए गए फावड़े का निशान है। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को मंदिर ध्वस्त करने की नीयत से तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर भेजा। सैनिकों ने शिवलिंग पर जैसे ही फावड़ा चलाया तो उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर औरंगजेब के सैनिक यहां से पलायित हो गए। शास्त्रों के अनुसार माता सती ने इस स्थान पर कठोर तप किया था, जिससे उन्हें भोलेनाथ वर के रूप में प्राप्त हुए थे। मंदिर के परिसर में छोटे बड़े कुल मिलाकर 53 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जी सर, तिल भांडेश्वर महादेव नाम बाबा का, वहाँ फोटो लगाइए। दोस्तों देखिए, तिल भांडेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है। यह स्वयंभू शिवलिंग, एक एक तिल बढ़ते रहते हैं, इसी से इनका नाम तिल भांडेश्वर महादेव है। द्वापर युग में ये लिंग प्रकट हुए, तब से एक एक तिल एक एक तिल एक एक तिल बढ़ते बढ़ते आज तिल भांडेश्वर महादेव है। बगल में सूर्य है, चंद्र के साथ प्रकट हुआ था बाबा। यहाँ सूर्य है, चंद्र है, इसी के साथ द्वापर युग में प्रकट हुआ बाबा। तब से एक एक तिल एक एक तिल बढ़ रहा है। ये जो चोट का निशान है, सब छेदी हथौड़ी का निशान है, ये तलवार का निशान है, पश्चिम साइड है, पड़ता है ये पश्चिम। ये औरंगजेब जब काशी में आक्रमण किया था तो यहाँ भी आया था, तिल भांडेश्वर महादेव यहाँ भी शक्ति अजमाया, तो तलवार मारा तो पश्चिम साइड तलवार में से ब्लड निकला, खून उसमें से काला भौरा निकले, काटे जितने मर गए भाग गए सब, वही सब निशान है, तलवार का निशान है, एक छेदी हथौड़ी का निशान है। ये सब जो काशी में आक्रमण किया था मुगल शासक तब का है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकट हुए तो सूर्य चल रहे इसके साथ प्रकट हुए, सबसे बढ़ रहे बाबा एक छुट्टी लेते थे, दो बार तीन बार जो रमन रमन के स्नान करवा जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि इनके आकार की वजह से नारियल के जटा से इनका नहीं नहीं जो चना वो हो जाता है कि अगर हम नारियल के जटा से लग रहे हैं तो काई लग जाएगा, दिन भर दूध फूल वाला मिलना दूसरी होता रहता है, इससे हम लोग रबर रबर के स्नान करवाए नारियल के जटा से पूरा। अब एक तीन पाना रखते हैं, अगर रगड़ेंगे तो काई लग जाएगा, दिन भर दूध फूल माला मुद्रा विशेष पूजा पाठ होता रहता है, अगर हम लोग रबर रबर के स्नान नहीं करवाएंगे काई लग जाएगा, हाथ नहीं लग पाएंगे, इसी से हम लोग रबर रबर के स्नान करवाया जाता है, दिन भर भस्मी फूल दूध माला मुद्रा विशेष पूजा पाठ होता रहता है, अगर हम लोग स्नान न करवाएं तो काई लग जाएगा, हाथ नहीं लगता है, दिन भर उठते आते जाते सब जल चढ़ाते हैं। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम लाल जी है, बाबा के भांडेश्वर महादेव जी की सेवक सेवा करते हैं, भगवान की कृपा से हम नहीं करते वो कुछ करवाते हैं, उनके कृपा से आज 15-25 साल हो गया बाबा के कृपा से, तब से सेवा में रहते हैं, बाबा का सेवा हम ही करते हैं, सुबह बहुत बहुत काम हो गई शाम को आइए, आते के समय काम कर लेते हैं, ठीक है, आरती के समय शाम को कहीं 10-12 डबरू बजता है, भव्य आरती होता है,